नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। निफ्ट, एनआईडी, यूसीड यानी कि ये सारे जो डिज़ाइन के एग्जामिनेशंस हैं वो पास आ गई हैं। अब आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि अंग्रेजी कहाँ से पढ़ें, आखिर वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ी जाए और इंग्लिश को कैसे कैच किया जाए। हमारे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं। आपको पुराने वीडियोज़ देखेंगे आप, तरह तरह के टीचर्स आएंगे, पढ़ा के जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको डैड थिंक लैब्स के यूट्यूब चैनल पे एक मूल मंत्र देने वाला हूँ, जहाँ से वोकैबुलरी आपकी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि 4-5 days, यानी कि 1 week फॉर वोकैबुलरी और काम ख़त्म। चलिए इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप फटाफट वर्ड लिस्ट और वोकैबुलरी ख़त्म कर सकते हैं बिना टेंशन लिए, बिना माथा पच्ची किए। डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आखिर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब वोकैबुलरी की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड लिस्ट, ये वो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारा कुछ। एक सिंपल सी बात मैं बताऊँ आपको, जब भी ये एक जनरल एग्ज़ामिनेशन है, ये एक जनरल एग्ज़ामिनेशन है, अगर हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप जानिए कि आखिर किस वर्ड का एंटोनिम्स और किस वर्ड का सिनोनिम्स पढ़ना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। अगर मालूम चल जाए कि किस वर्ड का पढ़ना है, हम तो रट ही लें, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट याद हो जाए। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स से दो ही तरीका है, या तो आप रटने में बहुत माहिर हैं कि एकदम बोलते हैं रट के सट जाए उसमें, चिपक जाए उसमें, या तो फिर आप इतने स्मार्ट हैं कि एक बार देखा और याद हो गया, या फिर आप इतने इतने एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं कि आप हर वर्ड का वर्ड क्रिएट करके सेंटेंस बना के आपने उसको अपना लिया है, या फिर यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इन योर डेली लाइफ, तभी वो हो सकता है। इन तीन मंत्र के अलावा कोई मंत्र नहीं है उसको याद करने का, और कोई रूल नहीं है, कोई वर्ड लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट, झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, ठीक है, झूठ बोलने का एक एक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है, टॉक टू ए फ्रेंड, टॉक फास्ट, ईट फास्ट, रीड स्लो, यानी कि फास्ट, स्लो, लिव, एंजॉय, हैप्पी। झूठ बोल देना या फिर किसी को डिफेम कर देना, यानी किसी के बारे में गलत बात बोल देना, एक जीवन चलाने के लिए जिन जिन क्रिया की जरूरत पड़ती है, जिन जिन वर्ब की जरूरत पड़ती है, वो सब आप लिस्ट बना लें। यानी कि 1-2 घंटे में आपकी लिस्ट आ जाएगी कि हम दिन भर या अभी तक के लाइफ में कुछ किए हैं तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने की है, या फिर या तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, या फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी और से, या फिर किसी से बात कर रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों से मिलने गए, फ़ोन पर जो वर्ड यूज़ करते हैं। आपको वर्ड नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं। हम तेजी से चलते हैं, तेजी से चलने का सिनोनिम्स क्या होगा, कोई भी काम सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थक वर्ड, यानी कि समान अर्थों वाला वर्ड, उसका सेम अर्थ होगा, सेम मीनिंग होगी उसकी, एग्जैक्ट उसका मतलब सेम नहीं होगा लेकिन अर्थ कहीं ना कहीं आपस में मिलता जुलता होगा। यानी कि तेजी से चलना उसका एक सिनोनिम्स होगा, उसके साथ बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। तेज रहना इसका मतलब है तेजी से कुछ भी करना तेजी हो जाएगा। I am fast. It means I eat fast, I walk fast, I learn fast, I hit fast, I beat fast, I run fast. सब कुछ, तो हर fast होने का एक ना एक word बना होता है, वहीं से शुरू होता है आपका vocabulary और वहीं से शुरू होता है आपका synonyms, antonyms और सब कुछ। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि अपने पूरे दिन में आने वाले activities का हम list बना लेंगे। और वो list कैसे बनेगा, सबसे पहले वी ईट
वी स्लीप, वी ड्रिंक, वी टॉक. अब देखिए, ईट स्लीप ड्रिंक, इन सब का एक तरीका बना है. पांचवा, वी अप्रिशिएट, लोगों के बारे में हम अच्छा बोलते हैं, किसी के बारे में हम बुरा बोलते हैं. चलिए जिस भाषा में लिखना है लिख लीजिए आप, बुरा बोलना लिख लीजिए आप, हिंदी में लिख लेते हैं हम. ठीक है, आपने किसी को हिट कर दिया, किसी के लिए आप खुश हो गए, हैप्पीनेस है आपके अंदर. ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे एक्टिविटीज हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं. इन एक्टिविटीज को और स्टडी करना है कि इनका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, और उस वर्ड का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन पे जाइए और सिंपल गूगल कीजिए कि टू बी हैप्पी के सिनोनिम्स कितने होते हैं, आपको लिख लेना है. टू टॉक के बारे में सिनोनिम्स कितने आते हैं, वो लिख लेना है. हैप्पीनेस वाले सिनोनिम्स कितने आते हैं. तो बेसिक फंडा ये है कि टेस्ट इसी बात का होता है कि जनरल चीज़ें जिससे ज़िंदगी चल रही है, कम से कम वो एक स्टूडेंट को आता है कि नहीं. बस टू एडमायर, टू किल समवन, टू बीट समवन, टू टॉक डिफरेंटली, टू मीट समवन, टू ग्रीट समवन, इन सब का कोई 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 वर्ड होता है. आप कम से कम इन सारे वर्ड्स का एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लें तो काफ़ी होगा आपके लिए. इससे अधिक जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आता है. तो पूरी डिक्शनरी लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा वर्ड लिस्ट लेकर बैठने की जरूरत नहीं है. आप इतने में अपना काम कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा. चलिए इस वीडियो में इतना ही. मैं अगले क्लास में एक लिस्ट लेके आऊँगा कि इन लिस्ट को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम भली भांति पूरा हो जाएगा, और आपका पूरा पूरा तैयारी आपके कंट्रोल में होगा. जय हिंद.